देखिए हमको भूख लग रही थी एंड भगवान किस रूप में किसको भेज दें कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए कहते हैं जितना हो सके एक दूसरे की हेल्प करते रहें एंड जितना हो सके खुशियाँ बांटते रहें, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी मिली है हमें, किसी के काम आना चाहिए। और जिसने अब तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, नीचे आईडी दिख रही है संदीप भट्ट ऑफिशियल, कर सकते हैं बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये लो जी भाई साहब केला देखो। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भला हो जाए। जी खुश हो गए वो भी। अब ये सामने मेरे ऊपर से हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी। तो गाड़ी के ऊपर चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, खड्डा है ना वहाँ पे, स्ट्रगल हो गया गाड़ी चढ़ाने के ऊपर। बने रहे जानने के लिए कि पहुँच पाएंगे कि नहीं। भाजी भी देख रही है उधर से। सब एकदम दर्शक बने यहाँ पे। भैया देख के देख के देख के देख के देख आगे बढ़ते हैं, शाम को मिलेंगे अब हम। इसको भी, हाँ इसको भी ले चलो, चल आजा। हाँ आजा आजा हमारे साथ, अभी शाम को यहीं आएंगे। छोटी बच्ची है भाई। तो निकल पड़े हैं ऊपर की ओर एकदम। पहुँच गए हो सामने पे, तो वो देखिए मंदिर सामने, मैं नहीं दिख रहा होगा, पहुंच दिखाता हूं। वो रहा पीछे है मंदिर, अभी लेके चलते हैं, बने रहिए। चलिए चलिए चलिए। तो ये सीढ़ियों से अब स्टार्ट होगा आगे का, क्या क्या अब यहाँ से स्टार्ट होगा आगे का टाइम लैप्स। फट 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 पहुंचेंगे अब। जय हो। किसका मंदिर है ये? जय श्री राम लिखा दो है वहाँ, एक हनुमान जी का माता का। तो जूते उतारेंगे हम बाहर, फिर बढ़ते हैं मंदिर की ओर। पूरी घंटियां लगी हैं। अच्छा ऐसे 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 करते हो जाओ। हाँ श्री राम, जय श्री राम। प्रभु को जगा दिया हमने कि हम आए हैं द्वारे में। वो अभी क्या बता रहा है, कर रहे होंगे क्योंकि तो दिन का टाइम है ना। हमने जगा दिया, कीजिए दर्शन। हनुमान जी का कुछ इतिहास भी है क्या इसका? कुछ क्या है? काफी पुराना मंदिर है यहाँ का। बहुत पुराना मंदिर है, 1962 लिखा है बिल्डिंग, उसमें 1962 लिखा है। हाँ तब से होगा, 1962 का मंदिर है, पुराना मंदिर है यहाँ का बता रहे हैं। ये था यहाँ पे राम जी का है, यहाँ पे हनुमान जी का है, अंदर नंदा मैया का है। 2 बजे का टाइम है, भगवान जी सोए रहते हैं, 4 बजे द्वार खुलता है, इसलिए अभी यहाँ कोई नहीं है इस टाइम, कोई नहीं है इसलिए। अच्छा तो हमको जाना है, इसलिए हम लोग भगवान जी को जगा। लेकिन आप व्यू देख सकते हैं पूरा पीछे तक का, स्पेशली इस साइड का जो व्यू आ रहा है पीछे बैक में, जबरदस्त है कि नहीं। तो यहाँ पर धारा है और बहुत ही यूनिक धारा है, तो आपको दिखाते हैं हम। यहाँ पर देवभूमि है हमारे उत्तराखंड पहाड़, तो पहाड़ में यूनिक चीजें होती हैं आपको पता है। ये देखिए एग्जिट, देखिए कितना सुंदर। तो यहाँ से पैदल निकल पड़े हैं, धारा यहाँ पे, तो चलते हैं। तो भाई ऐसे बोलते हैं, कहते बस यहीं जाना, बस उधर मेरे को लगता है पहाड़ के पीछे जाना। यहीं पर तो पहाड़ी अब क्या सीन है, जो पहाड़ी लोग होते हैं ना, जो पहाड़ के पीछे जाना, जो लोकल होते हैं ना, उनके लिए ये मतलब एक आध किलोमीटर तो ऐसे ही होता है कि हाँ यही तो जाना है बस। लेकिन जो प्लेन से आता है ना, हम तो हैं पहाड़ी बट प्लेन दिल्ली में रहते हैं, तो उनके लिए 1 किलोमीटर ऐसा होता है भाई कितना है। यहाँ पे लोग ऐसे बोलेंगे ना, ये रहा बगल में, लेकिन जाना थोड़ा आगे होता है, चलने के लिए मना करोगे तो वो है ना वो पीछे। देखो वो भाई ये पकड़ने पर, वो भाई साहब मेरा वीडियो ऑन चल रही है ना, नंबर चल रहा है पिछली बार का याद है। अगर ऐसे मुड़ गए हम, मैं तो मन कर रहा हूँ यहाँ से ऐसे ऐसे कूदता हूँ, स्विमिंग करता हूँ उधर की ओर पहुंचू सीधा, भाई सीधा उधर पहुंचू, स्विमिंग करता हूँ ऐसे ऐसे तैरता हुआ खेतों के बीच ऐसे ऐसे एकदम। कितना सुंदर है भाई, बाप रे यार, देव भूमि निकोच। निकोच इसका मतलब कि मेरी देव भूमि बहुत प्यारी है। वो है धारा। हाँ वो पीछे है। हाँ हाँ तो वहाँ जाना है हमको धारा तक, बैठने के लिए उसके अब वो दूर है, तो अब यहाँ से शुरू होगा हमारा टाइम लैप्स। एंजॉय कीजिए टाइम लैप्स को। तो ये रही धारा, यहाँ पे बताना क्या सीन है। ये नेचुरली आता है पानी इसमें, ये देख सकते हैं, स्नान करते हैं लोग इसमें आके।
स्नान तो कर नहीं पाओगे। और ये इतना पुराना देखो, इसमें पहले मतलब ये ऐसा पत्थर ऐसा ही था, तो इन्होंने बाद में इन्होंने मतलब डिजाइन वगैरह बना दिया अलग से नहीं लगा शेर के मुंह से। हाँ ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है, नेचुरल फ्रिज हमारा एकदम। हाँ हाँ कोई फ्रिज की जरूरत नहीं है, शेर के मुंह से नहीं आ रहा एकदम, हमारा धारा है ये, शेर के मुंह में हाथ डाला मैंने। शेर हमें पानी पिला रहा है एकदम, शेर भी पहाड़ के प्यारे होते, देख रहे हो सेवा में हाजिर है शेर। ये पानी फिसलन बात है, देखो पहले पानी नहाने का मन कर रहा है, स्नान कर लो, स्नान करते हैं इसमें, अल्टीमेट प्योर पानी है भाई, कितना मीठा पानी है, हैं प्योर वाटर एकदम प्योर, बहुत प्योर पानी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्लिपरी है देख के, आराम से आराम। पहाड़ का एकदम प्योर पानी, हमारा प्यारा पहाड़। तो ये है धारा, यहाँ पे कंटिन्यूअस 24 और 365 डेज पानी आता है सालों से। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, हाँ तो लोग 1837 का है, अठारह सौ सैंतीस में बना हुआ है सोचो, और यहाँ पे कंटिन्यूस पानी आता है पूरे साल, यहाँ पे पानी आता है। लोकल जो लोग होते हैं उनको ऐसे जैसे होता है ना शहरों में कि टैंकी लगी होती है, पानी वानी आता है, वो सब होता है पीने वीने के लिए, फिर फिल्टर के लिए वो लगाना होता है आरओ वगैरह, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग यहीं पानी भरने आते हैं, यहीं से पीते हैं, यहीं मतलब ये बिल्कुल फ्रेश पानी है पहाड़ का एकदम, उल्टा हम चलान पे खड़े हैं, ऑर्गेनिक पानी एकदम, सोचो चढ़ाई पे हम खड़े पानी आ रहा है, चढ़ाई है यहाँ पर, ये चढ़ाई है, ये ढलान नहीं है इस टाइम जहाँ हम खड़े हुए हैं, पानी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है पानी, पहाड़ के अंदर से आता है पहाड़ का पानी। तो ये देखिए सीन, सिनेमैटिक सीनरी, खुशबू यहाँ की, ऑक्सीजन यहाँ का, पानी यहाँ का, खाना यहाँ का, खाना पानी हवा, सिंपल दाल थी एकदम, लेकिन वो भी इतनी डिफरेंट होती है कि पूछो मत। पानी यहाँ पे एकदम प्योर भाई, मीट लिटरली मीठा पानी जिसे कहते हैं ना, वही है जैसे होता है ना हिमालयन वाटर होता है, जो कहते हैं जो, उस टाइप का एकदम प्योर ठंडा पानी। और हवा की तो फिर बात, यहाँ पे निराली एकदम प्योर, इतने पेड़ है तो अब उसके लिए तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कितनी शुद्ध हवा होगी यहाँ पे, तो समझ सकते कितनी मजेदार जगह है हमारा पहाड़। तो हमारे जितने भी पहाड़ी भाई हैं जो अभी इस टाइम उत्तराखंड के बाहर हैं, आप दर्शन कर सकते हैं, आपका एक पहाड़ी भाई आया है आपके पहाड़ में, हमारे पहाड़ में, तो देखिए हमारे पहाड़ को और एंजॉय कीजिए। मेयर निक्को पहाड़, मिठो मिठो पानी। कैसा लगा संदीप जी आपको यहाँ पर आके? मेरे को तृप्त हो गया ऐसा लग रहा है। अच्छा, सुकून जो होते हैं, थकान जो पूरे रास्ते की सफर की थकान थी, अच्छा वो सारा एकदम उतर गया। अच्छा, रिलैक्स बॉडी होता है ना, रिलैक्स हो जाती है, बहुत एक कंटिन्यूस बॉडी एक मसाज करो बॉडी में, रिलैक्सेशन सा फील होता है आपके। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल उसी तरीके से थकान उतर गई। आपका वापसी दिल्ली जाने का मन कर रहा है? फिलहाल तो नहीं कर रहा, फिलहाल नहीं कर रहा, जिंदगी में आपको जी अच्छा लगा? मैं तो पैदा यही हुई हूँ। अरे सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। बठिंडा में मैं पैदा हुआ था, पंजाब में। तो हमारा जो पहाड़ ऐसे घूमने की तरीके से एक तरीके से आना होता है, रहने वाले हम यहीं के, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के यहीं के, बट हम आते हैं ऐसे तो पहाड़ में, लेकिन जब भी आते हैं मजा आ जाता, दिल खुश हो जाता है, हमारा मन नहीं करता जाने का, लेकिन अब क्या करें, ये पापी पेट हमारा, पापी पेट का सवाल है, पेट का सवाल है, सवाल है, अगर रोटी नहीं खाएंगे नहीं कमाएंगे तो करना पड़ता है, इसलिए आप लोग करें, जितने मेरे पहाड़ी भाई हैं, आपका पहाड़ी भाई आगे बढ़ेगा तो जरूर पहाड़ के लिए भी कुछ ना कुछ करेगा, तो सपोर्ट करें, आगे शेयर वेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें, और हम बढ़ते हैं वापस, चले। हाँ चलो चलो, फ्रेश हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं, बहुत अच्छा लगा धारा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब माठू माठेठ, चल माठू माठेठ, माठू माठेठ का मतलब पता है भैया? नहीं भैया, धीरे धीरे चलते हैं, चलो हौली 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 हौली, उसको कहते हैं पहाड़ी माठू माठेठ, माठू माठ। हाँ, तो लोगों को भी समझ में आ गया होगा हमारे पहाड़ी में ठंडो पानी पीवे माठू माठेठ। एक चीज और दिखाओ, न्यू चीज। हाँ, ये जो है ना, इसको बोलते हैं मड़ुआ।
मड़वा। ये प्रगति मैदान, कई लोगों को पता होगा इसके बारे में, मड़वे की रोटी जो होती है इसको यहाँ मड़वा ही बोलते हैं। हाँ, ये इतना महंगा कॉस्टली नहीं, मड़वा होता है, मड़वा बहुत महंगा होता है। ये इतना महंगा है भैया, इसको कई लोग कम जानते हैं। इसके बिस्किट वगैरह प्रगति मैदान में जाओगे ना, सो भी हाँ उसमें इसमें मिलेगा ये मड़वा। और खेत है, सोचो आप ये खेती है इसकी, इसके ब्लैक दाने निकलते हैं, अभी ये पका नहीं है। ओहो हो, समझ गया जी, समझ गए ना, बाजरे के जैसे होता है दाने इसके छोटे छोटे, बट ये ब्लैक हो जाता है पक जाएगा तो मैं मड़वा महंगा होता है। तो यहाँ पे आप आओगे तो भैया खेत है पूरे, इसकी खेती होती है। ये सामने देखिए, साथ में वो सोयाबीन के पेड़ है। हाँ, ये साथ में सोयाबीन का पेड़ है, न्यूटेला बनता है ना जो बड़ी, ये बड़ी के पेड़ है सोयाबीन, ये लगे हुए है ना, ये लगे हुए। देखो ये आपको लगे हुए दिखा रही हूँ, इसमें फली लगी हुई है। हाँ, ये जो सोयाबीन न्यूट्रिला बड़ी बनती है ना, इसके अंदर सोयाबीन, वो ये है, ये वो उसका पेड़ ऐसा होता है। बाहर कई लोगों ने देखे नहीं होंगे कि इसके पेड़ कैसे होते हैं, वो ये सोयाबीन का पेड़ ये आप देख सकते हैं, मड़वे का पेड़ ये, और उसी के ऊपर जस्ट ऊपर मड़वे का पेड़ लगा हुआ है, सोयाबीन और मड़वा। बाजरा भी है ये, अरे वाह, बाजरे की रोटी, आप मडवे की रोटी खाना चाहते हो, मडवा है, बाजरा की रोटी खाना चाहते हो, बाजरा है। ये देखो ये बाजरा, ये देखिए भाई बाजरे की रोटी, और जो चौलाई होती है ना, हाँ वो देखो ऊपर रेड कलर की, और वो सामने गेहूं है, वो धान है, चावल, चावल चावल धान धान रेडी हो गए क्या यहाँ पर, हो रहा है तैयार, हो रहा है अभी, हो जाएगा जल्द। और एक चीज बताऊं, हमने समझ गया वो ये है भांग, चटनी भांग, हाँ। भांग का पेड़ है ये, भांग का पेड़ है ये, सामने भांग का पेड़ है पूरा ये। हाँ। यहाँ पर तो भांग के पूरे खेत भी होते हैं ऐसे, यहाँ पर एक मेरा दोस्त है वो, हाँ। तो इस पेड़ की खोज में लगा हुआ है, तो ये पेड़ बद्रीनाथ जाता है, कभी केदारनाथ जाता है, इसको तोड़ के अपने घर ले जाता है, नहीं घर पे जाके, अच्छा 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 वाला, भाई कुछ ना कुछ सूखता ही रहता है उसके सारा। तो क्या क्या नई नई चीज देखने को मिली आपने, जो पहले नहीं देखी हो वो कमेंट करके बताना। हाँ, सारी मतलब इनमें से क्या क्या आपने देखा है और क्या क्या नहीं देखा है वो कमेंट मुझे नीचे बताना आप, तो बने रहें। ये देखो बाग, वाह भैया आपका खेत है पूरा, ये भांग का पेड़ है, ये प्रफुल्लित होकर भट्ट परिवार निकल रहा है। यार खड़िया की माइनिंग होती थी, अगर माइन सभी बची होंगी तो। खड़िया क्या होता है, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा ना, चौक बनती थी, चौक, हाँ जैसे आपका टेलकम पाउडर हो गया, हाँ हाँ हाँ। सोप्स में भी यूज होता है, और ये मतलब खड़िया यूज होता है, मतलब खड़िया हमारी भाषा में मिनरल होता है, अच्छा उसकी माइनिंग, चूना जो होता है, चूना खड़िया का ही बनता है, उसकी माइनिंग होती है यहाँ पर, यहाँ माइनिंग होती थी, अभी भी होती है, अभी बंद करवा दिया। अच्छा, तो ये छोटा सा इतिहास है जो हमने सोचा आपसे शेयर करें, यहाँ का हमारा परिवार है आप, तो परिवार से सबको शेयर करते हैं, हम सारा कुछ शेयर करेंगे आपसे, बने रहिए हमारे साथ। तो जिसको हिंदी में नहीं समझ में आया, इंग्लिश में उसे लाइमस्टोन कहते हैं। एंड लिटरली जब हम लोग मंदिर से वापस आ रहे थे, मैंने मम्मी को कहा मम्मी भूख लग रही है, एंड मम्मी का जवाब था कि जंगल है बेटा, यहाँ क्या मिलेगा। एंड देखिए उसके बाद साक्षात बजरंग बली राम जी ने क्या करके दिखाया, बीच जंगल में भी हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दिया। अरे 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 अरे, खिला दो जी, एक आध खिला दो, खिला सकते हैं जी, केला। एंड बीच जंगल में सोचे, उनका जवाब था बिल्कुल खा सकते हैं, हम तो बस अभी ही बेचने निकले थे, इस धूप में सोचिए एकदम से कहां से प्रकट हो गए। कितने का किलो है? 60 रुपए दर्जन टोटल का, 2 दर्जन और भी होंगे, कहाँ बेचने जाते हैं सर? इतनी दूर तो ले लो, आप पूरे ले रहे हैं, तो यहाँ से बेच के वापस जाओ, कितने पैसे हुए वो बताओ, 90 रुपयों की टोटल, 90 रुपए हुए सबके, कितने केले टोटल? 1.5 दर्जन है, 1.5 दर्जन, 18 होंगे, 18 साथी, अच्छा इनके साथी, ये इनके साथ के, अच्छा दे दो मैं फिर, तो खुले ही नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, ये हमारी तरफ से, आपके छोटे पहाड़ी भाई की तरफ से, छोटा भाई है, इसकी तरफ से आशीर्वाद दो, आपका भला हो जाए, बस और कुछ हमें केला खिला दो, हमें तो भूख लगी थी, हम तो प्रार्थना कर रहे थे, मैंने अचानक देखा क्योंकि हमारा पहाड़ आना बहुत कम होता है, ये चीजें हमको बहुत कम मिलती है, आज पहाड़ आ रही है, तुम्हारा हाथा क्या लगा, हमें भूख लग रही थी, खादी तो ले जाएंगे हम। देखिए हमको भूख लग रही थी, भगवान किस रूप में किसको भेज दे कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए कहते हैं जितना हो सके एक दूसरे की हेल्प करते रहें, जितना हो सके खुशियां बांटते रहें, क्योंकि छोटी सी जिंदगी मिली है हमें, किसी के काम आना चाहिए।
अरे मैं केले और हैं तो और ले लूंगा अभी। और हैं केले? अब नहीं है, हमको पता ही नहीं पाक रहे हैं, हम चाय लिए ले जाएंगे, कोई दे देता हमें पता ही नहीं चला, नहीं तो सारे आप ही को दे देते। दिल्ली ले सारा ले भी लेते हैं हम ऐसे ले भी लेते भाई, ज्यादा पहुंचाएंगे तो दूर तक खराब हो जाते हैं, गाड़ी में कच्चे वाले पक जाते हैं, वहाँ दिल्ली पहुंचने तो पक जाएंगे। अच्छा अच्छा, कहाँ जा रहे हैं तो ऐसे घूम रहे हैं हम लोग, ऐसे ही देख रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं अभी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये लो जी भाई साहब केला देखो। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भला हो जाए। चलो भाई खुशियाँ बांटनी चाहिए, खुश हो गए वो भी। अब ये सामने मेरे ऊपर से हनुमान जी मेरी गोदी में आएंगे। हनुमान जी, हनुमान जी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे मंदिर से भी नीचे आए हुए थे एंड हमको लिटरली भूख लग रही थी एंड सोचे हम लोग ऐसे मंदिर में आए थे, हनुमान जी थे पीछे हमारे बंदर जी और यहाँ पे राम जी का मंदिर है तो भूख लग रही थी हमको, मैं सोचा रहे यार भूख लग रही क्या खाएं, और सोचे पीछे से एकदम पहाड़ में लिटरली खाली पहाड़ सुनसान पहाड़ में दो लोग वहां से पीछे से चलते हुए आ रहे केले लेके, सोचिए पहाड़ में आए पहाड़ी केले लेके पीछे चलते हुए आ रहे, पीछे मंदिर राम जी का और ऊपर हनुमान जी बैठे मंदिर में, हम लोग बोल रहे हैं कि भाई भूख लग रही है क्या करें, ऐसी मन में कह रहे सारे क्योंकि भूख लग रही थी सबको, पीछे से एकदम घास चलते हुए आ रहे हैं, सोचो उनसे पूछो तो कहां जा रहे हो, कह रहे बेचने जा रहे हैं, अपने आप ही ऑटोमेटिकली मम्मी बात कर रही है, चमत्कार ऐसे होते थे ना पहाड़ चमत्कार ऐसे होते थे, वीडियो शेयर करें जितना हो सके आप लोग, कभी भी चमत्कार किसी के साथ जिंदगी में ऐसे हो सकता है और किसी भी रूप में कोई भी मिल सकता है आपको, तो कोई अगर आपको ऐसे मिला है तो खुशियां बांटनी चाहिए, आपको पता है हमारा तो फिर जितना हो सके खुशियां बांटते रहो, दुआएं कमाते रहो, क्योंकि छोटी सी जिंदगी मिली है, कब टपक जाओगे कुछ नहीं पता, तो जब तक आपको ये जिंदगी मिली है भाड़े की छोटी सी जिंदगी कुछ दिन बिताने के लिए धरती पे, खुशियां बांटनी चाहिए, दुआएं कमानी चाहिए और उसके बदले में आपको पेट भर जाए हमारा, तो इससे बड़ी बात क्या है, तो हम पेट भरते हैं, आप लोग जितना हो सके वीडियो शेयर करें मेरे पहाड़ी भाई, पूरे पहाड़ में इस चीज को फैला दें क्योंकि आपका पहाड़ी भाई यहाँ पर आया है एंड जिंदगी में हम आगे बढ़ेंगे कुछ बनेंगे तो पहाड़ के लिए भी जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, आप लोग सपोर्ट करते रहें प्यार देते रहें, हम इसको केले को खाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं घूमने के लिए, आपको भी घुमाने के लिए आइए हमारे साथ। तो बिल्कुल यहीं पे हम लोग, भूख लग रही थी हमको, सोचिए आप एग्जैक्ट यही वो जगह है जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे मंदिर में, भूख लग रही थी हमें, राम जी का मंदिर देख सकते हो, जय बजरंगबली लिखा है और ऊपर बंदर भी देखे थे हमने, तो हनुमान जी का रूप जिनको कहा जाता है ना, यहीं पे बैठ के हम लोग बोल रहे थे यार भूख भूख लग रही है क्या करें, सोचिए आप लोग बस क्या करें, भगवान जी ने बोला आप हमारे दर पर आए हो, हमारे दर पर आप आए हो तो क्या करें, भूख लग रही है चलो ठीक है, वहां से दो लोग आते हैं केले लेते हैं, और सोचिए इसे कहते हैं कुदरत का करिश्मा, बने रहे मजा आया है। भाई तो कहां से आ रहे हैं, कहां किसको बेचने जा रहे थे वो लोग, सोचिए अब वहाँ सोचो बोल रहे थे कि मतलब ऊपर अपने घर के पास जो पहाड़ है वहां से लेके आ रहे थे और नीचे किसकी पड़ी थी, नीचे बेचने जा रहे थे, मतलब जैसे मैंने देखा लाल लाल केले बोलता था एक दो केला मिलेगा खाने के लिए, हाँ इन्होंने पूछा मतलब ये वैसे ही रैंडम अनजान लोग थे, मतलब अनजान लोग जा रहे थे अपना, भैया ने पूछ दिया उनसे एक आध केला खाने को मिलेगा क्या, सोचो उन्होंने बोला हाँ मतलब बेचने के लिए आप ले लो, सोचो आप बिल्कुल इसी जगह पे, पीछे देखो जय श्री राम जय बजरंगबली जी यहाँ जहाँ पे लिखा है, उन्हीं के बगल में उन्होंने सीधा अपना ही वाला फल गिफ्ट दिया खाने के लिए, अपना ही फल खाने का दिया, लीजिए केला खाइए, सोचो आप लोग मजा आया कि नहीं आया देख के, तो एक केला हमने यहाँ पे ऊपर रखा था इनको दे दिया, भाई भगवान जी ने हमारे लिए खाना भिजवाया तो हम उनसे शेयर तो करेंगे ना, ये देखो खा रहे आराम से, अरे वाह हनुमान जी हमारे देखने केले उधर आए, लो आइए ये लो यहाँ से ले जाओ, आएंगे वो देखो मुंह कैसे कर रहे हैं, हनुमान जी आइए, नहीं 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 काटेंगे नहीं, इतनी भीड़ देख के डर रहे ना वो, उधर ऊपर देता हूँ ऊपर एक सेकंड, ये लो ऊपर ये लो, हाँ ले लो, ओए तेरी ऐ शाबाश, ये भोग लगाना जरूरी है हनुमान जी को, कितने प्यार से खा रहे भाई, आप ही ने भिजवाया हमारे लिए तो आपको देना बनता तो है, बिल्कुल बहुत आनंद आ रहा था, मन तृप्त हो गया बोलते ना वो हो गया, देखो भाई खाओ बोल रहे हैं हमारा पेट भर रहे हैं, हनुमान जी इतने प्यार से खा रहे हैं, खाओ खाओ मजा आ गया, ये लो आ रहा है, आ जाओ आ जाओ, पीछे हट जाओ, ये हे शाबाश, ये आइए आई शाबाश, चलो भाई भोग नंबर टू, बोलो हनुमान जी महाराज की जय,
तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर शेयर करना इस वीडियो को जितना हो सके, क्योंकि चमत्कार कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना जिस तब तक नहीं किया है। हमारे डेली व्लॉग्स आते हैं सुबह 9 बजे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। एंड मिलते हैं कल सुबह। बाय, टेक केयर।